कैपेसिटी का फॉर्मूला बना क्यू बाई वी, और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बना हाफ क्यू वी। क्यू और वी, एनर्जी का फॉर्मूला एक और बना था कितना, सी वी स्क्वायर। तो हम यहां देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमें कैपेसिटर यूज क्यों करना है, ताकि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर पाए। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज करना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर पाएगा, और जितना ऊंचा पोटेंशियल तक हम कैपेसिटर को चार्ज कर दें, उतनी ही ज्यादा ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधी बात यह है कि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल कर पाए किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितनी बड़ी कैपेसिटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इस बड़ी स्टोरेज को प्राप्त करने के लिए, बड़ी स्टोरेज बनाने के लिए जो कमर्शियल कैपेसिटर यूज किया जाता है, वो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कल आपको कैपेसिटर हाथ में दिखाया था वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दो बार एग्जाम में आ चुका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से समझिए क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, क्या फायदा होता है दो प्लेट बना लेने से। सबसे पहली बात कि एक आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने आइसोलेट रखा हुआ है, इंसुलेट रखा हुआ है। इंसुलेट कैसे रखेंगे, एक स्टैंड पर, लकड़ी के स्टैंड पर आपने इसे फिक्स कर दिया जहां से चार्ज का फ्लो ना हो पाए। अब आपने इस प्लेट को कहीं से चार्ज देना शुरू किया, प्लेट पर चार्ज आता गया, प्लेट पर चार्ज आता गया, और जैसे जैसे आप चार्ज देते रहेंगे वैसे वैसे इस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको चार्ज देने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इस पर इसकी कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो फिर ढेर सारा चार्ज दे दें इसे, लेकिन चार्ज देने के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे आप इस पर चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं इसके रिजल्ट से इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। याद कीजिए स्फेरिकल बॉडी में तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला फाइंड किया था, वी इक्वल्स 1/4πε0 क्यू बाय आर। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है, स्फेरिकल बॉडी हो या कोई और बॉडी हो। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। एक समस्या आ जाती है, बॉडी को लगातार चार्ज देते रहे उसका पोटेंशियल बढ़ता रहे, तो फिर एक समस्या आ जाती है। आप सबने एक खेल जरूर किया होगा, सभी ने क्या, एक गुब्बारा लिया आपने, उसमें हवा भरी, उसे आपने फुला लिया, इन्फ्लेट कर लिया, फिर उस गुब्बारे को आपने ऐसे ऐसे अपनी शर्ट से रगड़ा और दीवार पर रख दो, चिपक जाता है। नहीं किया किसी ने, किया है कोई, एडिसिव तो नहीं लगाया आपने उस पर, एडिसिव नहीं लगाया आपने उस पर, फिर भी वो चिपक गया दीवार पर। लेकिन वो परमानेंटली चिपका हुआ नहीं रहता, 5-7 मिनट में नीचे गिर जाता है। उसे आप फिर से आप उठाइए, अपनी शर्ट पर रब कीजिए, फिर से लगा दीजिए, फिर चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाता है वो,
और क्यों फिर गिर जाता? जब आप बैलून को रब कर रहे हैं तब आपने उस बैलून को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया। इलेक्ट्रिकली बैलून को आपने चार्ज किया तो क्या बना, क्या कंडीशन बनी, क्या कंडीशन बनी? ये बैलून, और बैलून को आपने चार्ज कर दिया इलेक्ट्रिकली, क्योंकि आप शर्ट से रब कर रहे हैं, या तो कॉटन है या वूल है या कुछ भी है, रबर तो नहीं है, एटलीस्ट शर्ट आपकी रबर तो नहीं है ना। तो दो डिफरेंट मटेरियल्स हो गए, दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपने रब किया, एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, दूसरे की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, दोनों ही चार्ज हो जाएंगे, आपकी शर्ट भी चार्ज हो जाती है, आप भी चार्ज हो गए एक्चुअली, फुल चार्ज। अब इस बैलून पर क्या हुआ, सपोज पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अब आपने क्या काम किया, इसे दीवार पर ले गए, दीवार पे आपने इसे चिपका दिया। तो मैं दीवार से थोड़ा सा हटा हुआ बना रहा हूं, और प्रैक्टिकली भी दीवार से कॉन्टेक्ट में नहीं आता, उससे हटा हुआ ही होता है। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण दीवार पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। कैसे, बैलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, आपने इसे दीवार पर आया तो बैलून के आसपास दीवार निगेटिवली चार्ज हो गई, निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक गया। अगर बैलून निगेटिवली चार्ज हो गया है तो फिर दीवार पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तब भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक गया। गिर क्यों जाता है? गिरने का रीजन है कि आपके इस बैलून का ये चार्ज धीरे धीरे एयर में लीक होता रहता है। कैसे लीक होता रहता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एयर का मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आया, एक इलेक्ट्रॉन बैलून को दे दिया, और खुद कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी बचा हुआ बैलून का पॉजिटिव चार्ज, एयर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, दूर चला जाएगा। तो लगातार एयर के मॉलिक्यूल्स इस बॉडी पर से चार्ज चुरा चुरा कर दूर ले जाते रहते हैं, कब तक, जब तक कि सारा चार्ज खत्म नहीं हो जाता। आपके बैलून का चार्ज खत्म हुआ तो सामने दीवार पर इंडक्शन नहीं हो पाएगा, अट्रैक्शन खत्म, बैलून नीचे गिर गया। ये एक समस्या आ जाती है कि जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो वो लगातार अपने आप चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक होता रहेगा, बॉडी अल्टीमेटली डिस्चार्ज हो जाती है। और ये जो लीकेज है चार्ज का, ये पोटेंशियल पर डिपेंड है, पोटेंशियल पर डिपेंड है लीकेज ऑफ चार्ज। अगर आपका लो पोटेंशियल है, अगर आपने 10, 20, 50 वोल्ट तक दिया है, लो पोटेंशियल दिया है, तो रेट ऑफ लीकेज भी लो रहेगा, धीरे धीरे खत्म होगा ये चार्ज। ये अगर आपने पोटेंशियल दे दिए 10,000 वोल्ट तो क्या होगा, तो फिर तो फटाफट एयर के मॉलिक्यूल्स इससे कॉन्टेक्ट करेंगे और इसका चार्ज चुरा चुरा के ले जाएंगे। भाई कहीं खजाना खुला पड़ा है, कहीं खेत में खजाना खुला पड़ा है, अगर 10-20-50 रुपए पड़े तो बच्चे चुप के ले जाएंगे, और वह पड़े लाखों तो पूरा गांव आ जाएगा नहीं, पूरा गांव उसे चुकने के लिए आ जाएगा। तो जब ढेर सारा चार्ज आपने बॉडी को दिया, उसका पोटेंशियल बहुत ऊंचा हो गया, तो मॉलिक्यूल्स एयर के धड़ाधड़ उसके पास आते हैं, उससे चार्ज चुरा चुरा करके दूर ले चले जाते हैं। आप जानते हैं बैलून को अगर आपने अपनी शर्ट पर रगड़ा, रब किया, तो आपकी शर्ट पर, आपके बैलून पर कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया होगा, लगभग कितना पोटेंशियल, सुनकर के बड़ा अजीब सा लगेगा, 25,000 से 40,000 वोल्ट। हो मर जाओगे सर, 11,000 वाली लाइन तो फूक दे गए आदमी को, आप कह रहे हो 25,000 40,000 वोल्ट तो मर जाएंगे।
हाई पोटेंशियल से कोई नहीं मरता। आपकी बॉडी कई लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल टॉलरेट कर सकती है, बस चार्ज कम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ चार्ज कम होनी चाहिए, वो अलग बातें हैं। तो जब आपने बॉडी पर अपने शर्ट पर एक बैलून को रब किया तो 25, 30, 40,000, जैसे ये आजकल का मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चल रहा है, हवा में नमी है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं आता, 10-20,000 तक का पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन अब से पहले जो मई जून का मौसम था, जो बिल्कुल ड्राई वेदर होती है, सूखी गर्मी, उसमें 30-40,000 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है बैलून के ऊपर। सिमिलरली आपकी बॉडी पर भी, आप में से जरूर किसी ना किसी ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप फोल्डिंग बेड पर लेटे हुए बिना बिस्तर लगाए हुए, जब आप फोल्डिंग बेड से उठते हैं तो चढ़ 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 आवाज आती है। और शायद आप में से किसी ने चिंगारी भी देखी होगी, चिंगारी निकलती हुई नहीं देखी है जी, क्या? हाँ, उसमें देखी है। अच्छा, बेड पे पड़ी हुई थी, आपने उसे उठाया तो चिड़चिड़ निकली, और हाँ सही देखा इन्होंने। अगर आपके कोई शर्ट, आपकी सिंथेटिक शर्ट है, कॉटन नहीं है, सिंथेटिक है, और अंदर आपका कॉटन का बनियान है, तो जब आप शर्ट उतारेंगे चिड़चिड़ की आवाज आती है, और कभी कभी ऐसा लगता है शर्ट चिपकी जा रही है बॉडी को। तो एक्चुअली वहां क्या हो रहा है, दो डिफरेंट मटेरियल्स रब कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिटली चार्ज हो गए, और वो अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ऐसा शर्ट लगेगा जैसे शर्ट उतारने के बाद भी बॉडी से चिपकी जा रही, आपके बनियान से चिपकी जा रही, कॉटन के बनियान से। अभी भी आप करके देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा मुश्किल से हो पाएगा, आप अंधेरे में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेड, फोल्डिंग बेड प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर तौलिया लीजिए, तौलिया रब कर दीजिए, नंगे पैर खड़े होना, तौलिया रब कर दीजिए एक हाथ से, हाथ पीछे कर लीजिए, दूसरा हाथ अपना लाइए बेड के आसपास, आपको अपनी उंगलियों में से चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देगी। घबराओ मत, कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप अपने हाथ में कोई लोहे की चीज पकड़ लें, आपने चाबी पकड़ ली, तो बहुत ही प्यारे स्पार्क बनेंगे। इन दिनों में थोड़ा मुश्किल होगा ये, क्योंकि मॉइस्चर है, तो इसलिए चार्ज जैसे ही डेवलप होता है तुरंत लीक हो जाता है। लेकिन ड्राई वेदर में, अगर सूखा जाड़ा है, सूखी गर्मी है, तब ये बड़े आराम से होता है। जब आप तौलियों को रगड़ रहे हैं, 50-60,000 वोल्ट क्रिएट हो जाते हैं बेड पर। कभी किसी को बेड से नीचे उतरते हुए करंट नहीं लगा? फोल्डिंग बेड पर आप लेट जाइए, स्पेशली जब आपने कॉटन कॉटन की शर्ट पहनी हुई हो, और जब आप उस पे से लेटे इधर उधर करवटे बदल ले, रबिंग हो ही रही है, आप उठ के चले, बाय द वे लोहे वाले पार्ट पर आपका हाथ लग जाए, झटका लगता है। इन दिनों में नहीं लगेगा, क्योंकि मॉइस्चर है, वो चार्ज रुक नहीं पाता, गर्मियों में अक्सर ही हो जाता है। तो बात क्या आ रही है कि जब आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, जब आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, तो इसका चार्ज सराउंडिंग में लीक होना शुरू हो जाता है, और इस लीकेज को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है इस लीकेज को रोकने का। एक ही तरीका हो सकता है, क्या? चारों तरफ वैक्यूम क्रिएट कर दो आप, एयर हो ही ना यहाँ। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने चारों, कहीं होता ही नहीं। तो जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, वो चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है। वापस कैपेसिटर पर आते हैं हम। आपने इस प्लेट को चार्ज दिया, जितना ज़्यादा आप चार्ज देते रहेंगे उतना ही इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा,
उतनी ही ज्यादा ये एनर्जी स्टोर कर लेगा, राइट। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाने वाली है कि आप और ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, जितना चार्ज आप देंगे उतना ही चार्ज साइमल्टेनियसली सराउंडिंग में लीक हो जाएगा। आप मेहनत करते रहो इसके ऊपर, इसके साथ साथ इसे कुछ सुनाई देगा ही नहीं, जितना है उतना का उतना ही रहेगा। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो ताकि इसका पोटेंशियल कम हो जाए, इस प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाए बिना चार्ज कम किए हुए, बिना चार्ज कम किए हुए इसका पोटेंशियल कम हो जाए, है ना। कैसे कि अकबर ने कहा बीरबल से, ये लाइन है इसे बिना मिटाए छोटा करना है तुम्हें, अरे जो लो अभी करते हैं, बताओ बादशाह जी, राजा जी बताओ कौन सी लाइन छोटी, ये छोटी है, ये मिटाए मैंने से क्या, मिटाया तो है ही नहीं। बिना चार्ज कम किए इसका पोटेंशियल कम करना, पोटेंशियल आपकी इस प्लेट पर चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल भी पॉजिटिव, क्या करो इसके आसपास कोई नेगेटिव चार्ज ला के रख दो, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो आपने क्या काम किया, इसके पास एक प्लेट ला कर रख दी, एक और इसके सामने मेटल की प्लेट, मेटल की प्लेट रखती चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, मेटल की प्लेट रखती चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो मैं अगले डायग्राम में बना रहा हूं मेटल की प्लेट रखकर क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने मेटल की प्लेट इसके सामने लाकर रख दी, पॉजिटिव चार्ज तो था ही इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट से सामने वाली प्लेट के अपोजिट फेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इंडक्शन, और इस प्लेट के बाहर वाली साइड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल और अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं हमेशा इंडक्शन से, इक्वल अपोजिट, कैसे, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रॉन खींच के यहां गए पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर, जहां से प्लेट पर से इलेक्ट्रॉन चले गए उस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये प्लेट ए लिखता हूं मैं, प्लेट बी लिखता हूं, अब इस समय प्लेट ए का, प्लेट ए का पोटेंशियल कितना होगा, प्लेट ए का पोटेंशियल तीन तीन चार्ज के इन्फ्लुएंस से है, खुद एक इसका अपना चार्ज, सामने वाला नेगेटिव चार्ज, सामने वाला पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो प्लेट ए का पोटेंशियल है, प्लेट ए का पोटेंशियल वी ए कितना होगा, ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, खुद इसका अपना जो चार्ज है इसका, ये पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, प्लस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव, प्लस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन अदर प्लेट। प्लेट ए का पोटेंशियल तीन तीन चार्ज के कारण होगा, कुछ इसका अपना चार्ज, इसके अपने चार्ज का पोटेंशियल, कुछ नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, कुछ सामने वाले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल। बात समझ नहीं आ रही किसी को भी, सबके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी को भी समझ में नहीं आ रही ये वाली बात, किसी को समझ आई, जो कह सकता हाथ उठा करके, हाँ मुझे ये बात समझ आ रही है कि प्लेट ए के पोटेंशियल तीन चार्ज के इन्फ्लुएंस से है, किसी को ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही किसी को, देखो उधर। ये एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट से R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है प्लस Q1,
तो अब P का पोटेंशियल कितना है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1, Q1 बाय R1। यही पॉइंट था, यही चार्ज था, एक और चार्ज ला कर रख दिया आपने Q2, कितना डिस्टेंस पर ला कर रख दिया, R2 डिस्टेंस पर। अब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Q1 का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, Q2 का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, याद कीजिए डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड किया था एक्सियल लाइन पर, तो दो पोटेंशियल थे, एक पॉजिटिव चार्ज का Q। अब VP कितना होगा, पहले वाले चार्ज का भी पोटेंशियल है प्लस दूसरे वाले चार्ज का भी क्या है, पोटेंशियल है। आपने यहां इसी के आसपास, इसी की विसिनिटी में एक चार्ज लाकर रख दिया माइनस Q3, तो ये Q3 चार्ज भी तो P पर पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब Q का कितना, P का कितना पोटेंशियल होगा, प्लस Q3 अपॉन R3, लेकिन नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज कंसिडर्ड नेगेटिव। तो आपने चार्ज Q1 के इन्फ्लुएंस से देखा कुछ पोटेंशियल है, एक चार्ज और लाकर रख दिया Q2 पॉजिटिव, तो P पर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जब आपने Q1 के साथ Q2 को लाकर रख दिया तो पॉइंट P पर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन जब आपने नेगेटिव चार्ज को लाकर रख दिया तो P पर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि अब आपके तीसरे नेगेटिव चार्ज ने P पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। अब यहां चार्ज प्लेट A पर तीन चार्जेस के पोटेंशियल हैं, एक इसका पॉजिटिव पोटेंशियल खुद अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण, सामने वाली प्लेट के नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, और सामने वाली प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। इसका अपना पोटेंशियल तो जो है वो है ही, सामने वाला नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश में है, सामने वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश में है। लेकिन जरा देखें तो सही, नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है, जितना नेगेटिव है ये चार्ज उतना ही पॉजिटिव है, इंडक्शन में इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के ज्यादा नजदीक है, तो घटाने वाला इफेक्ट ज्यादा है, बढ़ाने वाला इफेक्ट कम है। प्लेट बी को लाते ही प्लेट ए का पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा, जितना कब था, जब यहां इसके सामने दूसरी प्लेट रखी हुई नहीं थी, बिना दूसरी प्लेट के एब्सेंस में अगर इसका पोटेंशियल 100 था तो अब 100 से तो कम ही हो जाएगा, चाहे वो 2-4 वोल्ट ही कम हो। क्यों, क्योंकि घटाने वाला फैक्टर स्ट्रॉन्गर है, बढ़ाने वाला फैक्टर वीकर है। पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया इसके। अब वोल्टेज को सेम लेवल तक लाने के लिए आप चार्ज और दे सकते हैं इसे। सपोज कर लीजिए कि आपको इसे उस लेवल तक पहुंचाना जहां लीकेज बस शुरू होता है। ये मैंने है पैन है, इसको मैंने चार्ज दिया, इसके 100 वोल्ट हो गए, देखा कि नहीं लीक नहीं हो रहा, नेग्लिजिबल लीक हो रहा है, और चार्ज दे दिया इसके 1000 वोल्ट हो गए, मैंने देखा भाई लीक होने लगा है तो बहुत तेजी के साथ, अब और मत दो, कोई फायदा नहीं है इसे चार्ज देने का, जितना चार्ज देंगे लीक हो जाएगा सारा, बेकार है। तो क्या करो भाई, 100 वोल्ट तक रहने दो इसका पोटेंशियल, ताकि हल्का फुल्का जरा मरा सही लीक हो पाए। आपने क्या करा, इसके बराबर में एक और बॉडी रख दी, इस बॉडी ने अपने मौजूदगी से इसका पोटेंशियल 100 से घटा करके 90 कर दिया। तो अब वापस 100 लाने के लिए आप थोड़ा सा चार्ज और दे सकते हो ना, जब आप चार्ज और देंगे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसमें और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो गई। प्लेट बी की मौजूदगी से प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया,
इस डिक्रीज वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप फर्दर चार्ज दे सकते हैं। तो फर्दर चार्ज देंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो अब आप बढ़ने नहीं दे रहे हो, चार्ज बढ़ने कैपेसिटी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ जाएगी। कुछ और काम किया आपने, क्या किया, यही सारा अरेंजमेंट था। प्लेट ए और ये प्लेट बी, प्लेट बी के सामने वाले नजदीक वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा वाला सरफेस था इसे आपने अर्थ कर दिया। अर्थ, हमारी अर्थ, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, अर्थ का पोटेंशियल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो है। और अर्थ एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है कि आप इसे कितना ही नेगेटिव चार्ज दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, इतना बड़ा पेट है अर्थ का चार्ज के मामले में कि आप इसे करोड़ों कूलम दे दो सब खा जाता है, कुछ नहीं। रात दिन लगातार एटमॉस्फेयर से चार्ज आता रहता है अर्थ पर नेगेटिव चार्ज, फिर भी इसका पोटेंशियल जीरो ही बना रहता है। तो जब भी आप किसी बॉडी को अर्थ कर देते हैं तो अर्थ सारा चार्ज अपने अंदर ले लेती है। अगर चार्ज अर्थ पर जाने के लिए फ्री हो तो, त्यागी जी नींद आ रही है, एक साल से ज्यादा हो गया आपको केवी में आए हुए, लेकिन आज भी आपके चेहरे पे लिखा हुआ एक एक्सक्यूज, सर मेरा एडमिशन लेट हुआ था। और जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के हाथ में जाएगी तो ये एक्सक्यूज काम नहीं करेगा, चेक करने वाले को कोई मतलब नहीं कि आपका एडमिशन लेट हुआ है, टाइम पर हुआ है, कुछ चैप्टर आपके छूट गए या नहीं छूट गए। सिर्फ आप अपने लिए एक्सक्यूज बना सकते हो कि सर मेरा एडमिशन लेट हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे शुरू के छूट गए ना वो। ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके, बढ़िया, बैठ जाओ। कोशिश करोगे समझ आएगा, नहीं करोगे तो चाहे छूटा हो या ना छूटा हो समझ नहीं आएगा। क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं बोलिए, माइक पहुंचा दो वहां तक। सर अर्थ के बारे में बता रहे हैं, चार्ज ले लेते हैं उसका, अर्थ, अर्थ पे चार्ज। किसके बारे में बता रहा हूं, अर्थ, अर्थ पे चार्ज, अर्थ के, अर्थ पे चार्ज के बारे में क्या बताया, क्या बताया बोलिए, अर्थ पे चार्ज के बारे में क्या बताया आपको, वहां तो अर्थ है ही नहीं बनी हुई, अर्थ तो जमीन पैरों के नीचे है, देखो इस पे देखो क्या हो रहा है, देखो अर्थ पे चार्ज के बारे में क्या बताया, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं आपको, आपने दूसरी वाली प्लेट बी को आपने अर्थ कर दिया। अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर चार्ज को अपने अंदर निगल जाता है, चाहे पॉजिटिव दे दो इसे चाहे नेगेटिव दे दो। ये वाला पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया सारा, नेगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि ये सामने वाले प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट फ्री टू मूव, ये वाला रिपल्शन में था चला गया। अब क्या रहा प्लेट ए पर, अब दो पोटेंशियल रह गए, खुद अपना इसका पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, ये खत्म हो गया। अब इसका पोटेंशियल और कम हो गया, उस पोटेंशियल को वापस बढ़ाने के लिए आप और चार्ज दे सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ी, वर्क बढ़ा,
एनर्जी स्टोर बढ़ गई। ये कहलाता आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बन गया? अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो मेटल प्लेट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल टच नहीं करते हुए अलग अलग है। ठीक है, लिखते हैं इसे। क्या आइडिंग डाली थी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल प्लेट्स kept parallel to each other with a small separation between them. One of the plate is connected to the source of positive charge. And the other is earthed, E-A-R-T-H-E-D, earthed. Next line likhiye. When some charge is given, to first plate some positive charge is given to first plate, the earthed plate develop negative charge on its facing surface, FACING, facing surface, या inner surface लिख लो, on its inner surface. The positive charge developed on outer surface flow to the earth. This decrease the potential of first plate to raise the potential of first plate to raise the potential of first plates more charge can be given hence the capacity
एज वेल एज द एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर द कैपेसिटी एज वेल एज एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेज ठीक है।